अलैकुम जनाब जनाब वाह भाई दिन बहुत टाइम लगा वो भी किसी की दुकान से दोस्त बैठे हाँ तुम दसना सी सैटिंग कोई हो गड्डी दी जेनुइन हो आल्टर हो तकरीबन उन्हों का जेनुइन पिस्टन इतें ही होंगे वा रिंग कम अज कम भी इन्ना फर्क हों जे टोपी तो जो पिस्टन की टक्कर लाती है ना फ्रंट वाला रिंग जो लागे आ जाता बिल्कुल हेड जो टक्कर लथी जानी ना तो परला हेड जो थले वाला जरा वा रिंग वो हेड तो बिल्कुल करीब आ जाना इदा समझ लो कि आई नहीं उतो टक्कर लथ के ढिड बन जाना हेड के चला जाना तो रिंग जरा बिल्कुल हेड के लागे आ जाना रिंग जिन्ना भी हेड के लागे आ जाए ना तो उन्नी गड्डी के पावर ज़्यादा होंगी इन्ना ज़्यादा नहीं लागे करना कि जो पिस्टन नाकिंग कर लग जाए तो जो भी तुम करना हो ना फिटिंग तो हमेशा इस तरह सिलेंडर फिट करो कि सैड वाली जी जगह ना जैन तो बगैर तुम सैटिंग बनाया करो थले सिलेंडर तो जैन ना हो सिलेंडर रख के वेख लिया सैड जी होंगी ना पिस्टन जैन तो बगैर करन दा फायदा वा सैड तो जो रख के वेखोगे ना जैन तो बगैर इन हल्का जहाँ हवा जहाँ मूली जहाँ सैड नहीं भी दसे ढिड बहर भी होना बहर हो हेड के चला जाना ज़्यादा बहर ना हो नाकिंग कर लग जाए जो तुम जैन थले बरीक रख के कसोगे ना फिर पिस्टन तुहाडा बिल्कुल उत्थे ही रहेगा बहर नहीं आएगा जो असं करते ना उदा ही जैन समेत टाप करते हैं जो चार के ट्राइया मारते हैं जैन होनी फुल्ले हो जाते हीट हो गए पिस्टन होनी बहर आ टर टर नाकिंग शुरू हो जाती गड्डी की समझ नहीं लगती पहली ट्राई जी गड्डी ठीक है दूसरी ट्राई जी गड्डी घट गई जी वो जैन प्रेस हो जाता वा हमेशा जैन तो बगैर सैटिंग बनाओ इदा क्लीयर करके थले बरीक जैन लाओ तो फिटिंग कर दो बाकी जी ना बहुत सारी आडिशन है वा वक्त के नाल इंसान आदि वा वक्त के नाल ही सारा कुछ पता लगता वा बाकी ज़्यादा तो ज़्यादा अभी तुम्हें दसन की कोशिश करते हैं लेकिन टाइम नहीं इन्ना होंगे कमा कारा के चलो नैक्सट टाइम ज़्यादा हेड दियाँ पोटा ना खुलियाँ कराया करो क्योंकि गड्डी फुकी हो जाती है कोशिश कराया करो पोटा सिर्फ लाइट जी नॉर्मल जी करो तो गोडा होंडे का तो वह भी ठीक अपने